सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं माता पिता अपने बच्चों को पैसे की लालच में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला थाना मनावर से हमारे सामने आ रहा है। यहां चाइल्ड लाइन टीम ने बाल मजदूरी पर ले जा रहे 57 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है। जानकारी के अनुसार मनावर पुलिस चौकी के सामने से गुजर रहे चार पहिया वाहन, दो पिकअप वाहनों को चाइल्ड हेल्पलाइन ने जब चेकिंग के दौरान उनको जांचा तो श्रमिकों को मजदूरी पर ले जाते हुए पिकअप वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें 57 बाल श्रमिक मजदूर पाए गए हैं, जिन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन व महिला बाल संरक्षण बाल श्रमिक विभाग में बच्चों को पढ़ाई करने की सलाह दी गई, जिसमें 15 बच्चे कॉपी पेंसिल के अभाव में मजदूरी करने को मजबूर थे, जिन्हें मां हर्षधि मानव सेवा संस्थान सिंघाना द्वारा कॉपियों पेंसिल सहित अन्य पढ़ने लिखने का सामान भी दिया गया। इसके बाद बच्चों के परिजनों को मौके पर बुलाकर समझाया गया कि बच्चों से मजदूरी ना करवाकर उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए ताकि बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सके। सभी बाल श्रमिक विधानसभा गंधवानी से मनावर विधानसभा के ग्राम मंडवानी के किसानों के खेत पर मजदूरी करने जा रहे थे। इस दौरान पिकअप वाहनों पर सिंघाना पुलिस ने दोनों वाहनों पर ओवरलोडिंग का चालान करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। कहाँ रहते हो बेटा? आप मजदूरी पे क्यों जा रहे हो? क्या कारण है, क्या मजबूरी है आपकी? कौन सी क्लास तक आप पढ़ रहे हो? आगे पढ़ने की उम्मीद है क्या? आपको तो स्कूल से कॉपी किताब फ्री मिलती है नहीं? कहाँ रहते हो बेटा? कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? आप इस मजदूरी पे जाने के लिए क्यों मजबूर हो, क्या कारण है? पापा शराब पीता ना, वो तो पागल जैसा बनता है, इसलिए ना मम्मी। चीनी है क्या है या कोई मजबूरी है? या कोई मजबूरी है आपकी? नहीं, वो मैं पढ़ाई तो करना चाहती लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ उतनी मेरे को कहीं नहीं आता। दीपेन सिंह तोमर, जिला परियोजना अधिकारी, सेव द चिल्ड्रन। अभी हम लोग कई दिन से ये देख रहे थे कि कोक्सी में और मनावर में बहुत सारे बच्चे पिकअप के माध्यम से बाल मजदूरी करने के लिए कॉटन में और मिर्ची में जाते हैं, तो उसको लेके काफ़ी दिनों से कार्रवाई के लिए बात चल रही थी। और पिछली बार जो जिला बाल संरक्षण समिति में बात हुई तो कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए कि सारे डिपार्टमेंट मिलके, जिसमें चाइल्ड लाइन है, लेबर डिपार्टमेंट है, बाल कल्याण समिति है और पुलिस और NGO, सब लोग मिलके एक कार्रवाई करें और ख़ास तौर पे इन कोक्सी और मनावर के इलाके में जो पिकअप में बच्चों को ले जाया जा रहा है उन पे कार्रवाई ज़रूर हो और सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि वो बच्चों को काम पे जाना रोके और बच्चे पढ़ाई से जुड़ें। सर, इसमें कितने बच्चे हैं? आज जो पहली पिकअप हम लोगों ने रोके थे उसमें करीब 60 से 62 लोग थे, उसमें 43 बच्चे थे। तो एक पिकअप में जिसमें ले जाना ही अलाउ नहीं, सवारियां ले जाना ही अलाउ नहीं है, उसमें 43 बच्चे थे। सर, इसमें कितने बच्चे पढ़ने वाले और कितने नहीं पढ़ रहे? जो अभी सारे हैं उनमें से दो पिकअप हमने पकड़े थे, दूसरी पिकअप में भी 12-15 बच्चे थे, तो टोटल बच्चों को मिला के उनमें से करीब 12 से 15 बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे और जाना चाहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मजबूरी बस, जैसा अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो वो बता रही थी कि उसके पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और अगर वो आज दाढ़की लेके नहीं जाएगी, हम लोग ने जो रोक दिया, तो अगर दाढ़की लेके नहीं जाएगी तो उसके पापा उसको डांटेंगे, तो उसको लेके वो बड़ा चिंतित है और बड़ा मतलब डर रही है। तो इस तरीके के भी बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कौशल विकास का जो योजना चल रहा है सरकार का, उनसे भी जुड़ना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को भी आगे उससे जोड़ पाएँ। सर, जिन लोगों ने बच्चों को बुलवाया मजदूरी के लिए, उन लोगों पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? जिन लोगों ने बुलवाया है तो उसको अभी प्रूफ करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप यही रहेगा कि जो बुलवा रहे हैं, जिनके खेतों में बच्चे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत और JJ एक्ट के तहत प्रोविजन के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। नाम बता दें, किस पत्ते और कहाँ से? मेरा नाम बलराम ठाकुर है, बाल संरक्षण अधिकारी महिला बाल विकास धार से हूँ और आज हमने बाल मजदूरी के ऊपर रेस्क्यू किया, जिसमें हमारे साथ बाल कल्याण समिति से सदस्य शिवराम मोहल सर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन से टीम आई हुई है, उसके साथ ही सेव द चिल्ड्रन से सर लोग भी साथ में है। उसके बाद हमने पिकअप को रोका, उसमें करीब 60 सवारियां थी, उसमें कुल
बालक और बालिकाएं 42 थे और दूसरी पिकअप को भी रेस्क्यू किया, उसमें लगभग 12 से 15 बच्चे थे और इन सबको समझाइश दी गई, अभी कार्रवाई चल रही है और जो भी होगा वो हम कार्रवाई करने के बाद और बताएंगे। क्या उम्र के बच्चे सर इसमें? इसमें 8 वर्ष से लगा के 16 वर्ष के बीच में बच्चे हैं। हाँ, और बच्चे जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका हमने नाम लिस्ट में नोट कर लिया है और उन बच्चों को यहाँ पे एक सस्ता है माँ भगवती सस्ता, उन्होंने कॉम्पॉक्स पेन अवेलेबल करवाए हैं ताकि वो बच्चे स्कूल जा सके और हमारे विभाग से भी हम ये कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को सतत निगरानी की जाएगी हमारी तरफ से और साथ में इन बच्चों को हम स्कूल में प्रवेश करवाएंगे भी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।